जलवायु परिवर्तन और भारतीय बागवानी। जलवायु परिवर्तन के बागवानी पर पड़ने वाले प्रभाव के ऊपर विशेष चर्चा के लिए देश भर के वैज्ञानिकों ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में आयोजित 3 दिवसीय सेमिनार में भाग लिया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एमएल चौधरी ने बाढ़ एवं सुखाड़ की स्थिति में फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता के क्षेत्र में विश्वविद्यालय द्वारा किए जा रहे कार्यों से सभी को अवगत कराया। जो उत्पादकता आज है और जो उत्पादकता 2030 में होने वाली है, जो जनसंख्या 2030 में बढ़ने वाली है, जो खेत विभाजन होके खेत का जो एकरेज है, रकबा है, वो कम हो जाएगी, अगर ये सोच के हम बैठे रहें कि आज हमें बहुत खाने के लिए खाद्यान्न है, तो शायद आने वाले दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य का दिन होगा, चुनौती का दिन होगा। वातावरण में परिवर्तन आ रही है और वो आना है, प्रकृति का नियम है। अब वातावरण में जो परिवर्तन आ रही है, अगर उसके अनुरूप हम सोच के अपनी उत्पादकता को नहीं बढ़ाएंगे तो दूसरी ओर हमारा राज्य बहुत खतरे में आ जाएगी। सच्चाई ये है और सच्चाई हम आपको सोचने को मजबूर करता है। ये सेमिनार बहुत ही उचित समय में करवाया गया। एक बात विचार आगे बढ़ाने का, जो क्लाइमेट में परिवर्तन हो रही है, जो वातावरण में परिवर्तन हो रही है, वो एग्रीकल्चर पे ही असर पड़ने वाला है, फॉरेस्ट का ही एक भाग होगा। और उसी दिन हम और आपके सेक्रेटरी महोदय ने ये फैसला लिया कि इस तरह का सेमिनार इस विश्वविद्यालय में आयोजन हो, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी भाग्यता उतनी ही हो जितना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को है। किसान भाइयों, हम इस सेमिनार के माध्यम से आप लोगों को ये कहना चाहते हैं कि इसकी एक जागरूकता अभियान हमारे समाज में हो। अगर वातावरण के बढ़ने या घटने से हमारे समाज में ही सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, तो अगर आज इस वातावरण का क्या असर होगा, इस वातावरण का क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा इस समाज पे, इस इतने बड़ी जनसंख्या पे, जरूरत इस बात की है कि इसकी जागरूकता अभियान हमारे गांव-गांव में हो, हमारे पंचायत में हो, हमारे ब्लॉक लेवल पे हो, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, उनको ये बताया जाए। वातावरण परिवर्तन तय है, उसके लिए हमारी मानसिकता में भी परिवर्तन लाने की जरूरत है। 2030 तक अगर इस तरह का वातावरण में परिवर्तन होने लगा तो जितने भी अफ्रीकन देश हैं, कम से कम 400 लाख लोगों की मृत्यु होगी, चाहे वो भूख से मरे, चाहे वो बाढ़ से मरे, चाहे बरसात से मरे, चाहे बीमारी से मरे, इतनी संभावनाएं ये लोगों ने फोरकास्ट किया है। हमसे भी बड़ी, सबसे बड़ी जो दुर्घटना होने वाली है या घटना घटने वाली है, सभी यूरोपियन देशों में जो बिल्कुल बर्फ के नीचे जब बैठी हुई है, जो देश जो बिल्कुल ग्लेशियर के नीचे है, जब वातावरण हम लोग कह रहे हैं कि 1 से 4 डिग्री हर साल बढ़ने की संभावना है, वैसे स्थिति में सारे ग्लेशियर मेल्ट करेंगे, सारे बर्फ मेल्ट करेंगे, उस स्थिति में क्या होगा उन देशों को? वो देश भी इस चीज की, सब पूरे संसार इस चीजों को लेकर के विचार कर रही है, गहन कर रही है। मेरे लिए, खास करके हमारे विश्वविद्यालय के लिए, हम आपका अपने तरफ से धन्यवाद तो नहीं देख सकते हैं, बट आभार जरूर व्यक्त कर सकते हैं। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए पूर्व अध्यक्ष वैज्ञानिक चयन समिति
पद्मश्री KL चड्ढा ने भी संबोधित किया। क्लाइमेट चेंज जो है उसके दो तीन कारण, सबसे मुख्य कारण ये है कि जो गैसेज हैं जो जिनका बुरा असर पड़ता है पौधों पर, आदमियों पर, उनकी मकदार में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है। और तीन ऐसी गैसेज हैं जिनसे ये क्लाइमेट चेंज पर असर पड़ रहा है। एक तो है मीथेन, एक है ओजोन और एक है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कहाँ से आती हैं? सबसे पहले तो कहते हैं कि जो एग्रीकल्चर इटसेल्फ है उसके करने से ही गैसेस जो है 40-50% तो गैसेस उससे ही पड़ती है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो या ओजोन हो या मीथेन हो। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन है पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर के रिलेटेड, हम पेस्टिसाइड बनाते हैं, हम फर्टिलाइज़र बनाते हैं और केमिकल बनाते हैं, उनके बनने से भी गैसेस निकलती हैं। जैसे आपने देखा होगा भोपाल में गैस कांड हुआ था, तो वो गैस इसी वजह से, क्योंकि गैस बड़ी नुकसानदेह होती है। तीसरी बात यह है कि जो डिफॉरेस्टेशन हमारे भारत में हो रही है, पौधों को काटना, उनकी जगह उतने पौधे लगाना नहीं, और अगर लगाना तो उनकी देखभाल नहीं करना, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये तीन मुख्य कारण जो है ये हैं क्लाइमेट चेंज के। अब दूसरी बात यह है कि क्लाइमेट चेंज का असर क्या होता है, इससे दो तीन चीज़ें होती हैं जैसे हम देख रहे हैं। सबसे पहला तो ये है कि टेम्परेचर में चेंजेस आ जाते हैं, या तो बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, या बहुत ज़्यादा गर्मी कम हो जाती है, ठंड बढ़ जाती है। एक तो सबसे पहला ये है। दूसरा ये है कि पानी जो है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, कि जो हमारे जहाँ पर स्नोफॉल होती है वो बहुत जल्दी पिघल रही है, उससे पानी नीचे आ रहा है, और उससे या तो फ्लड आ जाते हैं या उससे साइक्लोन आ जाते हैं, और उनका भी बुरा असर है। अगर फ्लड आ जाता है या साइक्लोन आ जाता है तो समुंदर का पानी ज़मीन में आ जाता है, वो खारा पानी है, वो सारा ख़राब कर देता है, तो उससे भी नुकसान हो रहा है। अगर बहुत ज़्यादा कम बारिश होती है तो ड्राउट हो जाती है, जिससे हमारी फसलें उगा ही नहीं पाती। बिहार में आपको आगे ही पता है कि यहाँ पर वाटर लॉक्ड एरिया बहुत हैं जिनमें पानी खड़ा रहता है। कुछ ऐसे भी एरिया हैं जिनमें शंका होती है कि पानी खड़ा होगा, और अगर बारिश आ जाए बहुत ज़्यादा या फ्लड आ जाए तो पानी खड़ा रहेगा, नहीं आए तो नहीं रहेगा। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे बचा सकता है। पहले तो हमें ये समझना है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, सारी दुनिया में हो रहा है, ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है जो कि सारी दुनिया में इस प्रोसेस को रोक पाए, इसको कम किया जा सकता है। उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो बताए जा सकते हैं लोगों को। दूसरी बात यह है कि हमें इस बात में तैयार रहना चाहिए कि हमें इसके साथ रहना है। अगर हम ये सोच लेंगे तो उसमें ज़्यादा भला हमारा, हम अपने उसमें कुछ तब्दीलियाँ अपने रहने सहने में काम करने में कर पाएंगे। जो तो ये बात है कि भाई दुनिया में क्या किया जाए, उसमें तो यही है कि जहाँ से ये गैसें पैदा होती हैं उन सारी चीज़ों को कम किया जाए। जैसे कोई इंडस्ट्री है जिससे गैस पैदा होती है उसको कंट्रोल किया जाए, ऑलरेडी ये चल रहा है। और सिमिलरली पौधे आप उखाड़ रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, तो जंगल और लगाइए ताकि उससे तापमान में फ़र्क पड़े, बारिश में फ़र्क पड़े। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि हमें पता ही है जब टेम्परेचर से पानी हमारा कम हो रहा है, पानी कई वजह से कम हो रहा है। एक तो ये है कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, एक ये है कि हर एक का हर रोज़ का पानी का यूज़ बड़ा बढ़ रहा है, तीसरा हमारा फसलों के नीचे एरिया बहुत बढ़ रहा है उससे भी पानी बढ़ रहा है, तो हर चीज़ में पानी की जरूरत बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करना हमें पानी को, नहीं तो फिर हमारा पानी बिल्कुल नहीं मिलेगा जैसे महाराष्ट्र में नहीं है, और खेती की फसल मुश्किल हो जाएगी, बागबानी की भी मुश्किल हो जाएगी। जो कुएँ हैं उनमें पानी भी रिचार्ज नहीं हो रहा है, ऑलरेडी ये पंजाब में हो रहा है। तो पानी को यूज़ को हमने कुछ रेगुलेट करना है। इसी तरह हमने फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड जो हमारे हैं उनके यूज़ को भी रेगुलेट करना, कम करना है। कम करेंगे कम ज़रूरत पड़ेगी, कम उनको पैदा करना पड़ेगा और कम गैसेस निकलेंगे। और वो कैसे करें, ऑलरेडी गवर्नमेंट कर रही है, ऐसी बात नहीं है, उसको और ज़्यादा समझ कर करना है। पानी को कम करने का तरीका माइक्रो इरीगेशन है, और काफ़ी वो कामयाब चल रहा है। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अंदर प्रोग्राम भी है
हमने कोशिश ये करनी है कि जहाँ पर पानी मिलता भी है वहाँ भी माइक्रो इरीगेशन लगाए। लोगों का ख्याल ये है कि ये उस एरिया में ही कामयाब है जिसमें पानी नहीं है, लेकिन जिसमें पानी ज़्यादा पानी देने से भी हमारी खराबी होती है। एक तो ये है कि पानी का और जो हमारा बारिश का पानी है उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। खाद की जो बात है वो ये है, एक तो आपको पता है ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल चली हुई है, वो भी मौसम बचाओ, ज़मीन बचाओ, ज़मीन के अंदर जो कीड़े वगैरह हैं या माइक्रोब्स हैं उनको बचाओ, उसमें भी थोड़ा ध्यान देना है कि भाई कम से कम हमारे पेस्टिसाइड, कम से कम फर्टिलाइज़र यूज़ हो। और आजकल जो बायो फर्टिलाइज़र हैं और बायो पेस्टिसाइड हैं जैसे नीम से बने हुए हैं और उनका इस्तेमाल जो है उनको ज़्यादा बढ़ोतरी देनी चाहिए। लेकिन अगर किसी ने केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करना है तो बाहर के देशों में जो फलों के पौधे हैं उनके पत्तों से पता चल जाता है कि इस पौधे को किस चीज़ की ज़रूरत है। हम यह है कि लगातार एक एक मात्रा में पौधे को खाद हर साल देते रहते हैं चाहे उसकी ज़रूरत है कि नहीं। आदमियों में भी आपको पता है कोई एक रोटी खाता है, कोई पांच रोटी खाता है, इस तरह पौधे की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो हमें पौधे की जांच पड़ताल के साथ वो टेक्नोलॉजी अभी हम भारत में यूज़ नहीं कर रहे, काफ़ी लेबॉरेटरीज बनी हैं जिनको कहते हैं कि प्लांट न्यूट्रिएंट एस्टिमेशन लेबॉरेटरीज, जिसमें पौधों के जो तत्व हैं उनकी एस्टिमेशन होती है, लेकिन उसका आगे यूज़ नहीं कर रहे। उसका यूज़ करना है हमें कि इस पौधे को कितनी और किस किस्म की खाद चाहिए ताकि उतनी ही दें और उससे हमारी खाद ज़ाया नहीं होगी, कास्ट ऑफ कल्टिवेशन कम होगी, फ़ायदा ज़्यादा होगा, क्लाइमेट चेंज कम होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है कि आगे हमारा जोर ये था कि नई किस्में बनाएं, पैदावार का सारा होता। हम कहते थे ये किस्म है जी ये पुरानी से 5 किलो पैदावार ज़्यादा देती है, ये किस्म है जी इसमें रंग बहुत अच्छा है जी मैंगो में। अब जो हमारा जोर आना चाहिए वो इस बात पर आना चाहिए कि ऐसी किस्में तैयार करें जो एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर को, कम टेम्परेचर को, ज़्यादा टेम्परेचर को, जितनी वो उनकी शक्ति है सहने की उससे ज़्यादा को सह सके। और इसमें ऑलरेडी काफ़ी तरक्की हो चुकी है। हमने बंद ये जो गोभी है, फूल गोभी, इसमें इसी तरह आपकी मूली में, इसी तरह गाजर में ऐसी किस्में निकल आई हैं जो कि उन जगह पर जहाँ पर टेम्परेचर बहुत होती थी और आगे ये नहीं होती थी, अब हो सकती है। तो इस तरह की किस्में और लगानी चाहिए। ऐसी भी किस्में निकल आई हैं कि जो अगर पाला पहले पड़ जाता है तो मरेंगी नहीं उनको। तो एक तो ये है कि हर फसल में जिस पर जहाँ पर भी जो नुकसान होता है उसमें नई किस्में इन किस्मों पर जोर दिया। नए बाग लगाओ अभियान, बागों के जीर्णोद्धार की योजनाएं, सघन बागवानी इत्यादि के द्वारा बागवानी के प्रसार के प्रयास किए जा रहे हैं।